नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, अगर आप लोगों का YouTube चैनल है तो उसके लिंक को कैसे कॉपी कर सकते हैं और दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, YouTube चैनल का लिंक करना कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं था। हम लोग YouTube एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से खोलते थे, ठीक है। YouTube चैनल को खोलने के बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है YouTube चैनल का लोगो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो इस लोगो के ऊपर हम क्लिक करते थे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता था हमारे पास व्यू चैनल का ऑप्शन, जो कि अभी भी आ रहा है, ठीक है। देखो अभी अपडेट के बाद थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है चैनल लिंक कॉपी करने का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर शेयर का ऑप्शन है एंड यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हो सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और अगर हम थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, शेयर पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ से हम चैनल लिंक को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है अपडेट आने के बाद, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन कितने लोगों को नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल के लिंक को कैसे कॉपी करना है, देखो अगर आप लोगों के पास शेयर का ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है अपने अबाउट को ओपन करना है, ठीक है। जब आप अबाउट को ओपन करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपके चैनल के लिंक का, ठीक है। इसके ऊपर टैप करना है, इसके ऊपर जैसे टैप करोगे यहाँ से आप लोगों को कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी लिंक का, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से दिक्कत आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग किसी के भी चैनल के लिंक को कॉपी कर सकते हो। देखो यहाँ से भी चैनल लिंक कॉपी हो जाएगा, लेकिन ना कितने लोगों के चैनल में ऐसा प्रॉब्लम होता है, शेयर का बटन ही नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से चैनल के लिंक को कॉपी कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ से जाना सीधा अबाउट पे, ठीक है। इस तरीके से अबाउट पे गए, अबाउट पे जाने के बाद आप लोगों को जैसा मैंने बताया यहाँ पे आता चैनल लिंक, इसके ऊपर टैप किया और यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर टैप करके कॉपी हो गया, ठीक है। अब किसी को भी सेंड करना है उसको सेंड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को सेंड करके दिखा देता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम खोला मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं किसी को भी शेयर कर देता हूँ, जैसे मैं अपने दूसरे आईडी पे ही शेयर करता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट किया, ये चैनल लिंक आ गया, देन सेंड पे क्लिक कर दिया, ठीक है, चैनल का लिंक शेयर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चैनल के लिंक कॉपी कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं।